Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I'm Shivangi Sharma and here I'm with second chapter of our class in history, and the name of the chapter is Nationalism in India. So trust me, this chapter is gonna be very interesting because this chapter is in a form of story. कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में, कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया, कैसे इंडिया के लोगों के अंदर इच्छा आई कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें अपना देश बनाना है. सो अपने बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग, हमारी कंट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग. और फन फैक्ट, दैट होल चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. और सो ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. ठीक है, सो देखो, अगर नेशनलिज्म की भावना किसी भी लोगों के अंदर जगानी है, जैसे यूरोप के लोगों के अंदर जागी तो उनका जो मेन उनको चेंज चाहिए था. लोगों को पता चल रहा था कि वो क्या हैं, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, नए नए तरीके से उनके न्यू सिंबल्स लाइक इन सारी चीज़ों से जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो है वो फीलिंग जागी. सो नेशनलिज्म क्या होता है हम लोगों को पता है, बट स्टिल नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने कंट्री के प्रति प्यार, लॉयलिटी, लव, मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज देशभक्ति की भावना बोल सकते हैं. ठीक है, सो लोगों के अंदर अगर हमें देशभक्ति की भावना जगवानी है या खुद जगानी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास. हमारे अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ, वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री. एंड जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था इन द लास्ट चैप्टर, कि हमारी कंट्री में भी जैसे प्लेज है, हम लोग हर एक पर्सन को, अगर हम स्कूल्स में भी देखें तो स्कूल्स में रोज नेशनल प्लेज बोली जाती है. इसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है, डेट वी बिलोंग टू इंडिया एंड ऑल इंडियंस आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? सो वी हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, डैट इफ अ पर्सन बिलोंग्स टू जम्मू एंड अ पर्सन बिलोंगिंग टू कन्याकुमारी is a part of family, because India is a family, right? So we belong to each other and we belong to countries, right? So we have that sense of unity and sense of belongingness in us all, right? So yes, वैसे ही जब अलग अलग कंट्रीज में नेशनलिज्म आई, सो वी आइडेंटिफाई अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो इन आर कंट्री ऑल्सो देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस जब हमें फ्रीडम मिली, बट वी वर फ्री फ्रॉम आवर कॉलोनाइजेशन. ठीक है, सो इंडिया में भी और अदर कंट्रीज़ में भी जब मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, तब हमने बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स लिए, जैसे इंडिया में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सिविल डिसऑबीडिएंट जैसे मूवमेंट्स हुए थे, राइट? वी हैव लर्न दैट इन आर नाइन्थ क्लास, राइट? सो ये जो सेंस है डैट कि हम लोग ऑपरेस किए जा रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स है वो सर के ऊपर चढ़ के जो है वो राज कर रहे हैं, और ये हमें नहीं चाहिए, ये सब कुछ का जो सेंस है वो अपने अंदर आना चाहिए, राइट? सो फ्रीडम का मतलब हर लोगों के लिए सेम नहीं होता है, हमारी कंट्री में भी ऐसा ही था. ठीक है, इसीलिए जो है फ्रीडम के लिए काफ़ी बहुत, मतलब फ्रीडम के लिए लड़ाई करना और फ्रीडम के जो मतलब है वो अलग अलग होते लोगों के लिए. ठीक है, जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी जी के अंदर, वो फोर्स कर रही थी कि एक मूवमेंट हो, मतलब सारे साथ में हो जाए विद इन वन मूवमेंट, और यूनिटी हो, राइट? अगर यूनिटी होगी तो ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. बट इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, सो पूरे सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, राइट? सो सभी को एक ही मूवमेंट के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे लोगों को लाना है, सो ऑफकोर्स इट नीड अ बिट ऑफ टाइम. ठीक है, सो जो हमारी अर्लियर टेक्स्ट बुक थी, उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी गोना स्टडी फ्रॉम 1920s. ठीक है, हम इसमें नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसऑबीडियंस को अच्छे से पढ़ने वाले, और हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने, मतलब नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा डेवलप करा. ठीक है, और कैसे डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स ने एक ही अम्ब्रेला के नीचे आकर सारा काम करा. ठीक है, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आने का मतलब है मिलकर काम करा. ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. सो 1919, द ईयर आफ्टर 1990s, काफ़ी सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे नई नई जगहों पे, ताकि सोशल ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट हो सके. ठीक है, ताकि नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल जो है वो डेवलप हो सके. ठीक है, सो क्या क्या थे? वेरी फर्स्टली,
जब वॉर हुई तो नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आती है, राइट? आफ्टर एवरी वॉर, अगर एक वॉर हुई है तो उसके बाद आपके पास इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस आएगी वो नहीं होंगे. वाई इकोनॉमिकल? बिकॉज वॉर की वजह से इतने सारे एक्सपेंसेस होंगे, और अगर आप वॉर जीत जाते हो तो आप जिस भी कंट्री के साथ या जिसके भी साथ लड़ाई कर रहे थे, तो उसकी जब ट्रेजरी आपके पास आती है तो आपके पास वो एज अ इनकम आती है, राइट? जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक उसमें भी फ़र्क पड़ता है. और अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो ऐसा हो सकता है कि वॉर हम हार जाए और जो दूसरी वाली कंट्री है वो आके हम पर राज करे तो भी पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, या फिर हम हार या हम जीत जाए तो भी पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है? सो इधर क्या इम्पैक्ट आया वॉर का? डैट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है? बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो चुका था और बहुत ज़्यादा जो है वो लोन्स ले लिए थे वॉर ने, ठीक है? सो ऑफकोर्स अल्टीमेटली सोल्यूशन यही आता है कि टैक्स बढ़ा दो भाई, जो भी हो रहा है तुम टैक्स बढ़ा दो. नॉर्मल जनता है, नॉर्मल जनता घिसे रगड़े जैसा मर्जी करके हमारे को पैसा पकड़ा दे हमें तो, मतलब राइट, यही तो होता था, ठीक है? सो कस्टम ड्यूटीज़ टैक्स इंक्रीज कर दी गई, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, और नए नए इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है? और कॉमन लोग थे, ऑफकोर्स कॉमन लोग को ही हार्डशिप फेस करनी पड़ती है हमेशा जीने के लिए. विलेजेस जो थे उनको ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट की जा रही थी, लोगों की ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट की जा रही थी, मतलब लोगों को फोर्सफुली जो है वो आर्मी में शामिल किया जा रहा था कि तुम लोग भी आर्मी में जाओ, ठीक है? दिस वॉज समथिंग विच वॉज डूइंग फोर्सफुली और फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है? स्पेशली इन रूरल एरियाज़. कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, गांव गांव वाले इलाकों में, जिसकी वजह से लोगों का एंगर जो है, लोगों के अंदर का गुस्सा जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है? इतना सब कुछ हो रहा था, फिर प्रकृति ने बोला कि इतना सब कुछ हो रहा है, लो थोड़ा सा नमक मेरी तरफ से भी ले लो. हुआ क्या कि 1819 और 1920-21 में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो फेल हो गई, क्रॉप ख़राब हो गई 1819 और 2021, ठीक है? चार साल, तो जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई और जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई और एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. और जब 1921 का सेंसस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 12 to 13 million पीपल की डेथ का कारण वॉज दिस फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक, ठीक है? तो लोगों को अभी भी लग ही रहा था कि लोग होप कर रहे थे कि उनकी जो हार्डशिप है, मतलब जैसे ही वॉर ख़त्म होगी वैसे ही उनकी जो हार्डशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बट डैट डिड नॉट हैपेंड, ठीक है? नए लीडर अपीयर हुए और नए नए स्ट्रगल्स, नए नए मोड, ठीक है? विल स्टडी एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. सबसे पहले आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या होता है? वी आर अवेयर ऑफ इट, राइट? हम वी आर इंट्रोड्यूस, दिस इज़ लाइक अ फेमिलियर, लाइक हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया होता है कि सत्याग्रह क्या है, ठीक है? सो चलो पढ़ लेते हैं, फिर भी सब कुछ जो आपको आता है उसके ऊपर पॉलिश आ जाएगा, राइट? सो महात्मा गांधी जब जनवरी 1950 में इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, जब उन्होंने वहाँ पर भी एक सक्सेसफुली एक रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह करा था, ठीक है? मतलब जब वो साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म है बिकॉज ऑफ डार्क टोन पीपल, कि ऐसा बोलते हैं लोग कि जो भी डार्क टोन है वो राइट वाइट टोन लोगों से अच्छे नहीं, मतलब वो ख़राब है बेसिकली, ठीक है? तो उस वो जो रिजीम था, जो रेसिस्ट रिजीम था, उसके खिलाफ वो लड़ाई कर कर आ रहे थे इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में. नॉन वायलेंस जो था उसका रास्ता महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं छोड़ा था. नॉन वायलेंस वॉज समथिंग जो महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर हमें आज़ादी के लिए, अगर हमें नॉन वायलेंस, अगर वायलेंस हो रहा है तो हम सारे ये अपने मूवमेंट्स बंद करवा देंगे, और उन्होंने किए भी थे, विच विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है? सो इसलिए उनके लिए नॉन वायलेंस बहुत काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था, ठीक है? और उन्हीं को वो सत्याग्रह बोलते थे. उन सत्याग्रह जैसे जैसा जैसा आपको वर्ड दिख रहा होगा, डैट इज सत्याग्रह. सत्य क्या है? सत्य इज ट्रुथ. तो महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हम ट्रुथ के, सच के रास्ते में चलेंगे, इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे. बट उनका ये भी मानना था कि फिजिकल फोर्स, जो भी फिजिकल फोर्सेस है वो लड़ाई के लिए कभी भी नेसेसरी नहीं होती है, ठीक है?
उन्होंने बोला कि अगर आप एक सत्याग्रही है तो आप नॉन वायलेंस के थ्रू जो है वो आप लड़ाई करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे कि धर्मा का जो रास्ता है, धर्म और नॉन वायलेंस का जो रास्ता है, उसी की मदद से जो सारे इंडियंस हैं वो जो है वो साथ आ सकते हैं, ठीक है। अगर सच होगा तभी जो है लोग अल्टीमेटली यूनाइट हो पाएंगे, ठीक है। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए थे सत्याग्रह मूवमेंट्स, जगह जगह पे सक्सेसफुल हुए थे वो, ठीक है, सक्सेसफुल। सो 1917 में सबसे पहले वो जब उनका फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, वो हुआ था चंपारण में, जो कि बिहार में है, ठीक है, जहाँ पे पीजेंट्स के खिलाफ, पीजेंट्स को बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है। सो उसके खिलाफ उन्होंने, उनके अगेंस्ट सत्याग्रह करा, उनके अगेंस्ट उन्होंने ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है, और जो कि विच वॉज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गया। और उसी साल 1917 में उन्होंने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा, कहाँ पर, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे भी वो पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे क्रॉप फेल हो रही थी और प्लेग भी आ चुका था, जिसकी वजह से खेदा के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है, और वो डिमांड कर रहे थे कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो रिलैक्स कर दिया जाए, मतलब उनका जो इतना ज़्यादा वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसको हटा दिया जाए या फिर थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए, मतलब थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक है। और वो वाला सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हो गया था, उसको भी सक्सेस मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1918 में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ पर भी उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के उनके उनके मतलब सहयोग में एक और सत्याग्रह मूवमेंट करा, ठीक है। सो दो सालों में महात्मा गांधी जी ने 3 सक्सेसफुली जो है वो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करे थे। अब बहुत ही बड़ा एक्ट पास किया गया था, डैट वॉज द रोलेट एक्ट, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। सो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड करा कि वो नेशन वाइड, अभी तक ये जो भी हमने देखे यहाँ पर हमने जो भी देखे कि महात्मा गांधी जी सबसे पहले चंपारण में गए, राइट, उसके बाद वो सबसे पहले वो गए चंपारण में, उसके बाद वो गए खेदा डिस्ट्रिक्ट, खेदा में, खेदा कहाँ था, खेदा था गुजरात में, ओके, उसके बाद वो गए अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है। सो ये जो तीनों जगह है ये ऑफकोर्स रीजनल जगह है ना, ये इंडिया में जगहें हैं, ये छोटी छोटी रीजन्स है। सो अब जो महात्मा गांधी जी जो चाह रहे थे कि अब जो वो करेंगे, वो जो ये सत्याग्रह करेंगे वो ऐसे छोटे छोटे नेशन में नहीं, वो होगा कंट्री वाइज, वो पूरी कंट्री में करेंगे, ठीक है, नेशन वाइज वो होगा, ठीक है। सो और उसी टाइम पर रोलेट एक्ट आ गया। सो गांधी जी ने बोला कि हम रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। सो ये एक्ट जो था इसके अंडर गवर्नमेंट को बहुत ही एनॉर्मस पावर दे दिए गए थे, जिसके अंडर वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को रिप्रेस कर सकते थे और किसी नॉर्मल पर्सन को रिप्रेस कर सकते थे, और बिना किसी ट्रायल के उनको 2 साल तक के लिए जेल में रख सकते थे अगर उनको लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो रेवोल्यूशन के बारे में या फिर मतलब ये इसका नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड कर रहा है तो, ठीक है। महात्मा गांधी जी एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट उन्होंने वो करना चाह रहे थे, अगेंस्ट ये जो भी अनजस्ट लॉ है, और इसीलिए उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी 6 अप्रैल में, ठीक है। सो इसी के अंडर सारे वर्क, जो रेलवे वर्कशॉप है वो बंद कर दी गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रैलीज निकाली जाने लगी हर हर जगह पे, दुकानें बंद हो गई, ठीक है। और अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार कहीं ये हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ना ख़राब कर दे, जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ये जो भी नेशनलिज्म है इस पर हमें काम डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लोकल लीडर्स थे उनको उठा दिया गया, मतलब उनको गिरफ्तार कर दिया गया अमृतसर से, और महात्मा गांधी जी को भी जो है वो दिल्ली में जाने का उनको बैन कर दिया गया कि महात्मा गांधी जी अब दिल्ली में नहीं जा सकते, ठीक है। 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर की, उन्होंने एक पीसफुल पोजिशन पर अटैक कर दिया, ओपन फायरिंग करवा दी, ठीक है, और जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ गया और लोगों ने बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। मार्शल लॉ क्या होता है? जब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है किसी भी कंट्री में, सो मार्शल लॉ
मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अब जो पावर है कुछ टाइम के लिए वो चली जाती है मिलिट्री के पास, ठीक है। तो कुछ टाइम का जो डिक्टेटरशिप है यानी कि जो रूल करने का है वो है मिलिट्री के पास, ठीक है। तो अब मिलिट्री जो चाहे वो मिलिट्री वो कर सकती थी, ठीक है। जनरल डायर ने कमान ले ली, बिकॉज उस टाइम पे मिलिट्री की जो हेड है वो जनरल डायर थी, उन्होंने कमान ले ली। और 13 अप्रैल को जब बैसाखी थी तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेयर लगा था, ठीक है, बैसाखी का मेला लगा था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी जलियांवाला बाग में, और कुछ ऐसे प्रोटेस्टेंट थे जो कि इनके खिलाफ मिलके जो है वो बात कर रहे थे, ठीक है। लोग इकट्ठा होकर जो वहाँ पे बात कर रहे थे इन चीज़ों के, जो भी ये चीज़ें हो रहा था, ठीक है। जनरल डायर ने क्या करा कि उन्होंने, मतलब लोगों को पता नहीं था कि मार्शल एक्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है, लागू हो चुका है। लोगों को पता नहीं था, राइट। डायर ने क्या करा कि जलियांवाला बाग के जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया और क्राउड में ओपन फायरिंग कर दी। और उस टाइम पे लगभग हज़ारों लोग मरे थे, और उस टाइम पे जो भी सत्याग्रही थे उनके दिलों में जो है वो डर डर बैठ गया, बिकॉज ये इतना बड़ा इंसिडेंट था। और इसको जलियांवाला बाग मैसकेयर बोला गया, द हत्याकांड ऑफ, मतलब जलियांवाला बाग का हत्याकांड उसे बोल दिया गया था। इतने सारे लोग उस टाइम पे मरे थे और काफ़ी लोग जो है उस टाइम पे सहम गए थे, ठीक है। जैसे ही लोगों को पता चला कि जलियांवाला बाग में इतना सब कुछ हो रहा है, अब नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे लोग जो है वो स्ट्रीट्स में आ गए, उन्होंने धरना करना शुरू कर दिया, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने पुलिस के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट का बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन आ रहा था, गवर्नमेंट सोच रही थी किसी भी तरीके से बस इनको दबा दें हम, ठीक है। उस टाइम पे सत्याग्रही को जबरदस्ती उनके नाक रगड़वाए गए थे ज़मीन पे, और उनको स्ट्रीट्स में जो है क्रॉल करने के बोला कि तुम क्रॉल करोगे अब। और उन्हें जबरदस्ती सारे साहिब को सल्यूट किया जा रहा था, और लोगों को जो है मतलब काफ़ी ऐसी विलेजेस में जो है बॉम्बिंग शुरू हो गई थी, लोगों पे बॉम्ब फेंके जा रहे थे, ठीक है। जब इतना वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक हमने वो किया और उसकी वजह से इतना बड़ा वायलेंस हुआ, जलियांवाला मैसकेयर। जब ये सब कुछ पता चला तो लोगों ने लड़ाइयाँ करनी शुरू करी पुलिस के साथ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़नी शुरू कर दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जबरदस्ती इन लोगों के नाक वगैरह रगड़वाए, इतना सब कुछ किया, स्ट्रीट्स में उनसे रेंगवा रहे हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें मूवमेंट करना ही नहीं, और उन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है। जबकि रॉलेट सत्याग्रह है उसको एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट मिल चुका था, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो सिटीज़ और टाउन्स है सभी को ये चीज़ें पता चल गई थी, बट महात्मा गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हमें एक इस मूवमेंट को ब्रॉड लेवल पे करना है तो हमें हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें और हिंदू और मुस्लिम को साथ में आना, एक महात्मा गांधी जी को टेंशन हो रही थी कि क्या हम ये लोग साथ में आ जाएंगे। ये करने का एक तरीका था खिलाफत इशू। उस खिलाफत इशू क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उस टाइम पे जब ओटोमन है, मतलब ओटोमन टर्की है, वो हार गई थी, ठीक है। ओटोमन टर्की को जो है वो डिफीट फेस करनी पड़ गई थी, ठीक है। उस टाइम पे वहाँ के जो जो किंग थे, ठीक है, उनको ना इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था। मतलब जो भी ओटोमन टर्की में उस टाइम राज कर रहे होंगे वो पूरे इस्लामिक कल्चर का, जो भी पूरा इस्लामिक कल्चर भी नहीं है, इस्लामिक जो पूरी दुनिया है उसका वो हेड होते हैं, ठीक है। जब ओटोमन टर्की हार गई तो ये जो भी किंग थे उनको जो है वो जेल में बंदी बना दिया गया, ठीक है। और अब सारे इस्लाम को लग रहा था कि नहीं, हमें मतलब उनको छुड़ाना है, खलीफा उनको बोला जाते थे, ठीक है। मतलब खलीफा की जो टेम्परल पावर है उनको बचाना वो चाहते थे, ठीक है। उस टाइम पे बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बना दी गई मार्च 1990 में, ठीक है। काफ़ी यंग जनरेशन थी मुस्लिम की, उसमें से ब्रदर्स थे जो कि थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमें मैस एक्शन करना है तो हम यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जो हिंदूज थे उनका दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। जो मुस्लिम्स थे उनका दुश्मन कौन?
ब्रिटिशर्स। सो अगर हम दोनों के दुश्मन एक है तो क्यों ना हम यूनाइट हो जाए, हम मिलकर उस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करें। सो इसलिए हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइट हो गए थे, ठीक है। सो गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदू एक अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट जो है वो यूनिफाई हो सकता है, ठीक है। उसी टाइम पे कलकत्ता का सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ सितंबर 1920 में, जिसमें उन्होंने और लीडर्स को भी कन्विंस करा कि हमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि खिलाफत का भी सपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें स्वराज चाहिए, अगर हमें अपना देश चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें शुरू करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट को हमें जो है वो सपोर्ट करना है, ठीक है। इतनी सी डिमांड जो है वो बोला गांधी जी ने हमें करनी है, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों, और भी तो कुछ हम कर सकते थे, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों, इसका आंसर गांधी जी ने 1909 में ही दे दिया था, जब उन्होंने हमारी बुक लिखी थी हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर जो हम इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करा, इसके पीछे का कारण हम ही लोग हैं, हमने उनके साथ कोऑपरेट करा, अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो उनका जो राज है वो आज से एक साल भी नहीं चलेगा। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाए उसका एकमात्र रीज़न था कोऑपरेशन, अगर इंडियन कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स कुछ कोलैप्स हो जाते और स्वराज जो है वो आ जाता, ठीक है। सुनो, गांधी जी ने बोला उस टाइम नहीं किया तो क्या हुआ, अब करेंगे, ठीक है। सो गलतियों से सीखना चाहिए, जो हमने गलती करी उसके लिए फिर से हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे, ठीक है। सो इंडियंस इसी मूवमेंट के वजह, इसी ये जो कोऑपरेशन था इसी की वजह से सर्वाइव कर पाए, मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये जो हमने बोला। सो अब नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे हो सकता है, अगर हमें नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट बनाना है तो ऑफकोर्स उसके अंदर हमने कुछ ऐसे फंक्शंस रखे होंगे कि ये 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 ये, सो अगर हम ये करेंगे तो ये नॉन कोऑपरेशन होगा, ठीक है। सो इसी में गांधी जी ने बोला सबसे पहले हम करेंगे सरेंडर। किस चीज़ का सरेंडर, हम सरेंडर करेंगे वो सारे टाइटल्स जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिए थे, हमें वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो सारे जो आर्मी थी, जो पुलिस थी, ठीक है, आर्मी पुलिस, फिर जो लॉयर्स थे उन्होंने वो भी कोर्ट को छोड़ के आने लगे, और सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट करा, क्योंकि वो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे स्कूल से उन्होंने बोला हम पढ़ेंगे नहीं, और उन्होंने वो छोड़ के वो लोग बाहर आ गए, ठीक है। सो उन्होंने सारे जो भी है ये सारे सारे सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई, ठीक है। समर्स में 1920 के समर्स में महात्मा गांधी और शौकत अली उन्होंने टूर करा थ्रू आउट द इंडिया, ताकि वो इस मूवमेंट को और ज़्यादा पॉपुलर कर सके, ठीक है। मैनी विद इन द कांग्रेस उन्होंने मतलब वो कंसर्न थे इस प्रपोजल को लेके, ठीक है। सो अब बॉयकॉट शुरू हो गया, लोग मतलब कांग्रेस ने ये चीज़ मान नहीं रही थी वो, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा बोला कि हमें सारी चीज़ें बॉयकॉट करनी है, बट कांग्रेस सोच रही थी कि आने वाली जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें अगर हम जीत गए तो हमें मतलब हम जीत सकते हैं, सो हम क्यों ये चीज़ें बंद करें। और उनको ये भी डर लग रहा था कि इस मूवमेंट की वजह से आगे आगे जो है काफ़ी बड़ा काफ़ी पॉपुलर वायलेंस होगा, ठीक है। बट काफ़ी मतलब बात की गई कांग्रेस से, और फाइनली जब कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर में इन 1920 दिसंबर, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है कांग्रेस ने वो अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। सो क्या क्या किया गया, ठीक है, क्या क्या किया गया इस मूवमेंट के अंदर, डिफरेंट स्टैंड ऑफ विद इन द मूवमेंट। सो जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट था वो जनवरी 1921 में जो है शुरू हो गया था, ठीक है। सबसे पहले टाउन्स में कैसी मूवमेंट हुई, टाउन्स में लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी शुरू करी, ठीक है। ये जो मूवमेंट था ये सिटीज़ के जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करा, ठीक है। स्टूडेंट्स ने हमने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। लॉयर्स ने बोला कि हमें नहीं करनी कोई भी लीगल प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो काउंसिल की इलेक्शंस है वो भी बॉयकॉट कर दिए गए, ठीक है। इन मोस्ट जो ज़्यादातर प्रोविंसेस थी, जैसे सिर्फ मद्रास जैसे प्रोविंसेस पे जो है ये चीज़ नहीं हुई, जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, ऑफ द नॉन ब्राह्मिन्स, ठीक है।
जो नॉन कॉपरेशन था इसका इफेक्ट आया, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया इकोनॉमिक कन्फ्रंट में. अगर हम पढ़े तो हमने जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करेंगे. लिक्विड शॉप को पिक कर दिया गया, फॉरेन क्लोथ्स को बड़ी बड़ी बॉनफायर्स में जलाया गया. ठीक है, पिक्ड करना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पिकट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसी शॉप के बाहर खड़े होके लोगों को वहाँ जाने से, मतलब शॉप के एंट्रेंस रोक देना बेसिकली, कि हम वहाँ पे अंदर नहीं जाना है, ये चीज़ ठीक सही नहीं है. ठीक है, तो फॉरेन 1921-22 में फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट है वो आधा हो चुका था, जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक गिर चुकी थी. ठीक है, जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट फैलता रहा, लोगों ने मतलब ये क्लोथ्स को इम्पोर्ट करना बंद कर दिया. ठीक है, अब होता क्या था कि लोग ना इन खुद ही हाथ से इंडियन क्लोथ्स बनाते थे और वही जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ता रहा और हैंडलूम्स आगे बढ़ गई. ठीक है, बट ये जो मोमेंट था ना ये धीरे 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 बंद होता गया, कम होता गया, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो खादी के कपड़े हैं ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि वो हाथ से बनाते थे. ठीक है, तो जो गरीब लोग थे वो उसको नहीं खरीद सकते थे, जबकि जो ब्रिटिश जो फॉरेन क्लोथ थे वो मशीन से बनाया करते थे. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है मतलब वो सस्ते होते थे. तो ब्रिटिश ये जो भी ब्रिटिश थिंग्स हैं इनको, और इनके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स के अंडर के अलावा कोई स्कूल और कॉलेजेस तो थे ही नहीं, कोई और ये बैंक्स भी नहीं थे. ठीक है, कोई और कोर्ट्स तो थे ही नहीं, तो लोगों को ना चाहते हुए भी इनमें जाना पड़ गया था वापस. ठीक है, और जो गरीब थे वो इनके अलावा इन्हीं कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े नहीं खरीद सकते थे. ठीक है, तो लोगों को फिर से जाना पड़ गया. अब रिवेलियन इन कंट्री सेट. कंट्री सेट क्या होते हैं, हमने बताया है मैंने आपको कंट्री सेट क्या होता है, बट स्टिल कंट्री सेट मतलब विलेजेस. ठीक है, सिटीज़ में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब कंट्री सेट में भी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो पीजेंट्स थे और जो ट्राइबल्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था. ठीक है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी. जैसे अवध में जो बाबा रामचंद्र थे एक सन्यासी थे, ठीक है, जो कि फिजी के एक इंडेंटर्ड लेबरर थे. ठीक है, सो ये जो मूवमेंट था ये तुल्कदार और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेंट्स पे कर रहे थे और उनको फोर्स कर रहे थे बेगार के लिए कि वो बेगार बने, मतलब उन्हें उनकी लैंड में जाके या फिर उनके लिए सारा काम करना है, बट बदले में उनको मिलेगा लोगों पेमेंट्स, उनको पेमेंट्स नहीं मिलेगी, तो उसी को हम बेगार बोलते हैं. ठीक है, काफ़ी जगह अब लोगों ने इसका भी खिलाफ उन्होंने एबॉलिश करने के लिए, जब इन्होंने इसके नॉन कोऑपरेशन में क्या किया, इन्होंने नाई दो भी बंद जैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी. मतलब ये जो भी बड़े बड़े लोग थे इनके लोगों ने कपड़े धोने बंद कर दिए. जैसे जो वॉशरमैन होते हैं उन्होंने बोला कि हम नहीं धोएंगे तुम्हारे कपड़े, जो धोबी थे उन्होंने बोला हम नहीं काटेंगे तुम्हारे बाल, सॉरी जो नाई थे उन्होंने बोला हम तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, तुम क्या कर लोगे. ठीक है, सो 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी अवध के विलेजेस पे जाना उन्होंने शुरू करा, तो वो विलेजेस से बात करते थे. ठीक है, और उनकी जो दुख है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको वो डिस्कस करते थे. बाय अक्टूबर उध किसान सभा जो है वो बन गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर हो रही थी. सो बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और थे जिनके अंडर जो है ये सारी चीज़ें चल रही थी. ठीक है, विद इन द मंथ ये इतना फैल गया कि एक मंथ के अंदर अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस सेटअप हो गई थी इसकी रीजन के जो है विलेजेस में. ठीक है, जो पीजेंट मूवमेंट था, मतलब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ रहा था फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, तो अब कांग्रेस के जो एफर्ट्स थे अवध को इंटीग्रेट करने के वो और ज़्यादा वाइडर स्ट्रगल में, मतलब इवन के मतलब अवध के जो पीजेंट्स थे ना उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसके लिए जो पीजेंट मूवमेंट्स थे उसके वजह से ऑफकोर्स डेवलप्ड इन द फॉर्म डैट जो कांग्रेस लीडरशिप है वो इससे ना अनहैप्पी थी. ठीक है, जैसे मूवमेंट बढ़ा 1921 में तुलकदार और मर्चेंट्स के जो घर हैं वहाँ पर अटैक कर दिया गया, बाजार्स को लूट दिया गया और जो ग्रेन्स के जो हॉर्ड्स थे उनको मतलब उनकी चोरी भी नहीं बोल सकते, मतलब उनको ऐसे सभी के सामने ऐसे मतलब उनको छीन लिया गया, उनको खाली कर दिया गया. काफ़ी जगहों पे जो भी लोकल लीडर्स थे उन्होंने
लोकल लीडर्स थे वो ये सब कुछ करते हुए ऐसा बोलने लगे कि गांधी जी ने डिक्लेयर करा है कि अगर नो टैक्स के लिए करना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब महात्मा गांधी जी का नाम लिया जा रहा था इन सारे एक्शंस के लिए भी, बट महात्मा गांधी जी तो वायलेंस के कितने खिलाफ थे, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस को इंटरप्ट करना शुरू करा और महात्मा गांधी जी का जो है वो नाम लेना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। स्वराज का जो आइडिया था इसको पाने का और तरीका भी हो सकता था, ठीक है, हाँ और तरीका हो सकता था, ठीक है। बट लोगों ने कई कई लोगों ने मतलब वायलेंस का जो है वो हाथ साथ निभाना वो शुरू कर दिया, जैसे कि गोरिल्ला मूवमेंट जो कि अर्ली 1920 में बहुत ज़्यादा फैल गया था, जो कि वॉज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, जो कांग्रेस अप्रूव कर सकती थी। मतलब ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था कि जो कांग्रेस अप्रूव करे, ये तक कुछ नहीं था। मतलब जैसे और फॉरेस्ट रीजन्स थे, वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज बंद कर दिए गए थे, लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे, अपने कैटल्स नहीं चरा सकते थे, अपना फ्यूल वुड अपने फ्रूट्स कुछ नहीं ला सकते थे। तो उस टाइम पे जो है वो समझ आ रहा था कि ठीक है, हाँ ये चीज़ें जो है वो तो नेसेसरी है, बट इन लोगों ने नेसेसरी चीज़ें भी बंद करके रखी है, ठीक है। सो जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए, उनको बेकार बना दिया गया कि वो रोड वगैरह बनाए और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उस टाइम पे जो पर्सन आए, डेट वाज वो एन इंटरेस्टिंग फिगर जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने क्लेम करा कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है और वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब वो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो अभी से बता सकते हैं, वो लोगों को हील कर सकते हैं। वो बोलते थे कि उनको जो बुलेट की शॉट्स है उनसे भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जो राजू है वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा काम करते थे और वो बहुत इंस्पायर थे उनसे, ठीक है, बाय द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो वो लोगों को बोलते थे कि खादी पहनो और ये शराब वगैरह पीना बंद करो, ठीक है। और वो ये भी बोलते थे कि अगर हमें इंडिया को लिबरेट करना है, ठीक है, सो अगर एक फोर्स जो होगी, वो बोलते थे कि सबको सही कहते हैं गांधी जी, बट अगर हमें लिबरेट करना है सो उसका रास्ता नॉन वायलेंस नहीं हो सकता है, हमें रास्ता तो उठाना ही, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट राजू को जो है वो बंदी बना दिया था और उन्हें 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बट जब उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट शुरू करा था, ठीक है, जब उन्होंने लड़ाई करी थी, जब उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी है तुम, हम तो लड़ाई करेंगे, जब उन्होंने पुलिस स्टेशन वगैरह में ब्रिटिशर ऑफिशियल्स वगैरह में सभी में अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि हम सभी में अटैक करेंगे, और इसको उन्होंने जो है गुरिल्ला वेलफेयर बोला। और ताकि उन्होंने बोला, क्योंकि जब उनको लगता था कि नॉन वायलेंस जो है वो एकमात्र सोल्यूशन नहीं हो सकता है, अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें वायलेंस की जो है वो साथ देना पड़ेगा, सो उन्होंने पुलिस स्टेशन वगैरह में अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और लोग खुश भी हो रहे थे, बट स्टिल राजू को कैप्चर कर दिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। बट वो अभी भी लोगों के दिलों में जो है वो फोक हीरो बन चुके थे, ठीक है। स्वराज, अब प्लांटेशंस में स्वराज के लिए क्या क्या बातें हो रही थी, ठीक है। जो वर्कर्स थे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स थी महात्मा गांधी जी को लेके, मतलब जैसे महात्मा गांधी जी को पता था स्वराज क्या, वैसे लोगों के दिलों में भी स्वराज के लिए जो अलग अलग भावना थी। जैसे असम के जो वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम यही था कि वो किसी भी स्पेस में जा सके, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था उसी पर्टिकुलर जगह पे, तो उनके लिए आज़ादी यही थी कि वो कहीं भी जा सके, वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। सो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, वहाँ पे मतलब प्लांटेशन जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको उन टी गार्डन्स को कहीं छोड़ के जाना, मतलब टी गार्डन से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, और बहुत ही रेयरली उनको कभी ऐसी परमिशन मिलती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयरली, वेरी रेयरली, ठीक है। सो जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बारे में सुना तो उन्हें लग रहा था कि हाँ अब हम घर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो अब उनको लगा कि गांधी राज आएगा तो अब सभी को अपन उनकी विलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो जाला, उनको लगा कि ठीक है अब हम जा रहे हैं सॉरी बट वो जैसे ही जा रहे थे उन्हें रास्ते में जो है ब्रिटिशर्स मिल गए और उनको ज़बरदस्ती लाया गया और उनको बहुत बुरी तरीके से जो है वो मारा गया, ठीक है, पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो। सो इसकी वजह से हमें पता चला कि लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की यानी कि इंडिपेंडेंस की अलग अलग
वो है, लोगों ने गांधी के नाम लेके अलग अलग वो करना शुरू कर दिया। लोग मतलब जो ट्राइबल्स थे वो गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया था, और उन्होंने स्लोगन्स बनाने शुरू कर दिए थे जैसे स्वतंत्र भारत, ठीक है, जो कि हर ऑल इंडिया एग्रीटेशन को इमोशनली रिलेट करता है ना। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र गुजरात या स्वतंत्र राजस्थान या स्वतंत्र कुछ ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र मद्रास वाला कि हाँ स्वतंत्र मद्रास होगा या स्वतंत्र मुसलमान या स्वतंत्र हिंदू। दिस वॉज स्वतंत्र भारत, मतलब पूरा भारत स्वतंत्र होगा तो लोगों के अंदर जो है और यूनिटी की जो है वो पावर, यूनिटी का जो है वो फील आ रहा था, ठीक है। जब जब भी गांधी जी का नाम लिया जाता था तो वो उनके सारे मूवमेंट्स को, मतलब जो जो मूवमेंट उन्होंने करा वो सारा अपने अंदर जो है मतलब उनको पता चलने लग गया था। सो यहाँ पे चौरी चौरा 1922 में चौरी चौरा हुआ था गोरखपुर में, जहाँ पे क्या हुआ था कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और पुलिस ने आके वायलेंट क्लैश करना शुरू कर दिया, और जब ये लोगों को पता चला और तो फिर लोगों ने भी मतलब जब उनका पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तब पुलिस आ गई और पुलिस ने थोड़ी हाथापाई शुरू कर दी। और इस टाइम पे लोगों ने भी बोला कि लोग भी नहीं रुके और उन्होंने भी पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करने शुरू कर दी। और उस टाइम पे जब महात्मा गांधी जी को पता चला, महात्मा गांधी जी ने उसी टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, ठीक है। अब जब फेबर नाइनटीन नाइनटी टू में जब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे, ठीक है, तब उन्हें लगा कि क्योंकि काफ़ी जगहों पे जो है वो वायलेंस हो रहा था, ठीक है, और सत्य मतलब उनको ऐसा लगा कि अगर हमें वास्ट रीजन में काफ़ी मतलब बड़ी जगह पे अगर हमें मास स्ट्रगल करना है तो उसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि अभी भी इलेक्शन हो प्रोविंशियल काउंसिल की, ठीक है, अगर और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो वो साइन हो गया था 1990 में, ठीक है। वो समझ रहे थे कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के अपोज जाना है तो काउंसिल में भी कुछ इंडियंस का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चाह रहे थे कि रिफॉर्म हो, ठीक है। इससे और ज़्यादा इससे और डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि जो डेमोक्रेट इससे और जैसे डेमोक्रेटिक्स थे जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अंडर जिसमें वो और आर्ग्यू कर रहे थे सारी काउंसिल पॉलिसीज में, ठीक है। बट कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो काफ़ी रेडिकल थे, उन लोगों ने बोला कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। रेडिकल मतलब वो कुछ जोशीले लोग थे ये, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो इंटरनल डिबेट और डिसेंशन था वो दो फैक्टर्स में था जिसने जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से शेप करा टुवर्ड लेट 1920s, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट था डेट वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से लोगों जो है मतलब बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था कंट्री की इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस है वो बहुत मतलब गिरना हुआ शुरू हुए 1926 में, और 1923 के बाद तो वो बर्बाद ही हो गए, ठीक है। जैसा डिमांड थी वैसे एग्रीकल्चर को फूड्स जो भी एग्रीकल्चर फूड था वो मतलब गिर रहा था और एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे। पीजेंट्स को अब अपने मतलब हार्वेस्ट बेचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो है रेवेन्यू भी अब पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। 1930s में कंट्री साइड में जो है वो टर्मोइल आ चुका था, ठीक है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड एक नई गवर्नमेंट थी, नई टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन की, ठीक है। उन्होंने एक सेचुरी कमीशन लाया जिस सर जॉन साइमन के अंडर, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को कि एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होगा वो कैसा लगेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ये, और क्या क्या चेंजेस उन्हें करने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगे इसमें, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये कमीशन जो थी इस कमीशन में एक भी सिंगल मेंबर इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब लोगों ने बोला कि नहीं साइमन हमें नहीं चाहिए, गो बैक साइमन के सारे जो है वो स्लोगन्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। सारी पार्टीज थी कांग्रेस को मिला के और मुस्लिम लीग को मिला के, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करा और ये जो एफर्ट्स थे इनके साथ जो है हम जीत गए। और जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस करा अक्टूबर 1929 में कि वो
अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही अनस्पेसिफाइड फ्यूचर था. और उन्होंने ये बोला कि ठीक है, तुम लोग चाहे राज करना है तुम लोग कर लो, बट तुम लोग रहोगे हमारे अंडर ही, ठीक है. और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला जिसमें वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे. बट जो कांग्रेस लीडर्स थे इनको दोनों ही नहीं सेटिस्फाई करा. और जो रेडिकल्स थे कांग्रेस की, उन्होंने जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो और ज़्यादा असर्टिव हो गए, ठीक है. जो लिबरल्स थे और जो मॉडरेट्स थे वो और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम मतलब अभी प्रपोज कर रहे थे, ठीक है. बट दिसंबर 1929 में जो प्रेसिडेंसी थी ज्वाला मतलब दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी चल रही थी, उसके अंडर लाहौर कांग्रेस ने डिमांड करी पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है. और लोगों को बोला कि लोग प्लेज लेंगे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो स्ट्रगल करेंगे. बट काफ़ी लिटिल अटेंशन इसको मिली है. सो महात्मा गांधी जी ने बोला कि हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया निकालना पड़ेगा फ्रीडम का, अगर हमें इस इशू को एवरीडे लाइफ में लाना है. तो तब शुरू हुआ द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. सो महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हमें सभी को यूनाइट करना है, सो इसका एक बहुत अच्छा जो हमारे पास सोर्स है वो है नमक, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब हो अमीर हो, जितना गरीब हो जितना अमीर हो, चाहे कोई सी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, नमक एक ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए. सो जब हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसके ऊपर यानी कि नमक के ऊपर काफ़ी जो है ये लगा के रखे थे, मतलब कि जो मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें बना के रखी थी, ठीक है, कि जो नमक है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, कोई और नमक नहीं बना सकता, ना ही उसे बेच सकता है. सो महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर उनकी डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं होती है, महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है अगर वो 11 मार्च तक ठीक नहीं होती है तो वो सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन को शुरू कर देंगे, ठीक है. जो इरविन थे उन्होंने बोला कि छोड़ो परे ये तो ऐसे ही है, उन्होंने उनको नेगोशिएट कर दिया और महात्मा गांधी जी ने उनका फेमस साल्ट मार्च शुरू कर दिया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ, ठीक है. कितने वॉलेंटियर्स थे उनके पास? 78 वेरी ट्रस्टेड जो है वो उनके पास वॉलेंटियर्स थे, ठीक है. सो वो 240 माइल्स तक जा रहे थे, वो गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती में, ठीक है, साबरमती में गांधी जी का जो आश्रम है वहाँ से वो गुजरात के मतलब गुजरात का एक कोस्टल टाउन था डांडी, वहाँ पे वो जा रहे थे, ठीक है. तो 240 माइल्स था, सो उन्होंने बोला कि हम एक दिन में 10 माइल्स चलेंगे. सो वॉलंटियर जो है वो 24 दिन तक जो है वो चलते रहे थे, ठीक है. काफ़ी लोग महात्मा गांधी जी को सुनने आए, और जब भी वो कहीं रुकते थे वो उनको स्वराज का मतलब बताते थे, और उन्हें बताते थे कि हमें ब्रिटिशर्स को पीसफुली हटाना है, ठीक है. 6 अप्रैल में वो डांडी पहुंच गए और उन्होंने सी वाटर को उबाल के जो है नमक बनाया, ठीक है. और इसी को सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट का बिगिनिंग मार्क कर दिया गया था, ठीक है. जैसे ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों था, ठीक है. अब लोग आप सोच रहे होंगे कि ये अलग क्यों था, क्योंकि देखो अब यहाँ पे लोगों को सिर्फ रिफ्यूज़ नहीं करना था, अब यहाँ पे लोगों को अपोजिशन करना था, उसके उल्टा जाना था, उन्हें कॉलोनियल रूल्स को तोड़ना था, ठीक है. काफ़ी डिफरेंट पार्ट में कंट्री ने ये जो नमक कानून था इसको तोड़ा, नमक बनाया, और सॉल्ट फैक्ट्रीज भी यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसको डेमोन्स्ट्रेट उन्हीं के सामने डेमोन्स्ट्रेट करा कि देखो हम नमक बना रहे हैं, ठीक है. तो ये जो मूवमेंट था ये फैल गया, फॉरेन क्लोथ्स बायकॉट हो गए, लिक्योर शॉप को पिकेट कर लिया गया, पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ना हम रेवेन्यू देंगे ना हमें चौकीदारी का टैक्सेस देंगे, ठीक है. जो विलेज के ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिसाइन कर दिया, सॉरी. और काफ़ी जगहें थी जहाँ पे फॉरेस्ट के जो लोग थे, अब वो फॉरेस्ट लोगों को वायलेट उन्होंने करना शुरू कर दिया, और वो मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में चले जाते थे लकड़ियाँ काटने और अपने कैटल्स को चराने के लिए, ठीक है.
डेवलपमेंट के डर से जो कनोलिया गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वायलेंट क्लैशेस हो गए काफ़ी जगहों पे। ठीक है, जब अब्दुल गफर खान जो कि एक डिवोल्ड डिसिपल थे महात्मा गांधी का, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, क्राउड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पेशावर की स्ट्रीट में आ गए। ठीक है, सो उस टाइम पे उनको मतलब उनको उनको ऐसा बोला गया कि उनको मतलब इसके गाड़ियों के नीचे कुचलवा दो और ओपन फायरिंग करवा दो। इतने सारे लोग मरे और उसी के एक महीने के बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस के पोस्ट और जो म्यूनसिपल बिल्डिंग है, लो कोर्ट है, रेलवे स्टेशन थे, ये जो भी मतलब ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे सारे स्ट्रक्चर्स, उन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो डर गई और उन्हें लगा कि ये जो ब्रूटल रिप्रेशन है इस पर रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन्होंने उन पर अटैक हो गया, काफ़ी वुमेन्स और बच्चों पे मारपीट हुई, लगभग 1,00,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था। ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी ने बोला कि हाँ हमें फिर से कॉल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाह रहे थे। ठीक है, जो मूवमेंट था, ठीक है, उसमें एक पैक्ट साइन किया उन्होंने इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में, जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने बोला कि गांधी जी को बोला गया कि हम तुम्हें जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा लंदन में। ठीक है, गांधी जी ने बोला ठीक है, बट बदले में तुम सारे जो जो भी लीडर्स हैं उनको तुम छोड़ दोगे। ठीक है, जब वो इंडिया आए तो उनको पता चला कि रिप्रेशन का नया साइकिल आ चुका है और गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में ही हैं। ठीक है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब गांधी जी की जो एब्सेंस था उसका ठीक फायदा उठा लिया था उस टाइम पे। ठीक है, फिर गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम फिर से सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट शुरू करेंगे, और हुआ। ये मूवमेंट 1 साल तक चला, बट फिर 1935 में इसने अपना मोमेंटम खो दिया। ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। देखो, कंट्री साइड में जो रिच कम्युनिटीज थी, जैसे पतिदास गुजरात के और उत्तर प्रदेश के जाट, उनको वो ना कमर्शियल क्रॉप्स के उनको प्रोड्यूसर बना दिया गया था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब जब ट्रेड डिप्रेशन हो रहा था और प्राइजेस गिर रहे थे। ठीक है, सो उनका जो कैश इनकम थी वो डिसअपेयर हो रही थी, गायब हो रही थी, और गवर्नमेंट भी रिफ्यूज़ कर रही थी। ठीक है, जो रिच पीजेंट्स थे वो और ज़्यादा इंथुजियास्टिक सपोर्टर बन चुके थे सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में, बट उस टाइम पे वो बॉयकॉट कर दिए गए प्रोग्राम्स, और जब फिर से उसके लिए कॉल ऑफ किया तब लोगों ने मना कर दिया कि जब कुछ होना ही नहीं है तो हम क्यों फिर से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जो पुअर पीजेंट्री थे उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको बस मतलब उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, जैसे पहले हुआ फिर से गांधी जी फिर से करेंगे, फिर से लड़ाई होगी, गांधी जी फिर से सब कुछ बंद कर देंगे, इसलिए लोग जो है फिर से उस पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। लोगों के अंदर का जो इंथुजियाज्म है वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, जो डिप्रेशन था वो भी कॉन्टिन्यूड था, कैश इनकम बिल्कुल भी नहीं थी लोगों के पास, जो छोटे छोटे टेनेंट्स थे वो कैसे रेंट अपना पे करेंगे, उनको यही सोच सोच के डर लग रहा था। ठीक है, उनका जो अनपेड रेंट है अब वो बोला गया कि अब माफ़ कर दो क्योंकि सिचुएशन तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कांग्रेस थी उन्होंने इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करा काफ़ी सारी जगह पे, ताकि पुअर पीजेंट्स मतलब वो जो कांग्रेस थी वो इन नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट करना चाह रही थी, बट वो नहीं कर रही थी क्योंकि उनको डर लग रहा था कि पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो रिच लैंडलॉर्ड्स है और जो रिच पीजेंट्स है उनका मतलब जो वो है वो खो देंगे, इसलिए जो कांग्रेस है वो अनसर्टेन ही रही। ठीक है, बिजनेस क्लासेस का क्या हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो भी इंडियन मर्चेंट और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, जो भी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सभी की इच्छा ये थी कि वो अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अब वो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, और जो रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो उसको भी मतलब वो जो है वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहा था। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइज को बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए
उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में बनाई, ठीक है। जिनके जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि परशोत्तम दास ठाकुर और जी डी बिरला, इन्होंने जो भी कलोनियल कंट्रोल के अंडर जो भी इंडियन इकोनॉमी थी उस पर इन्होंने अटैक करा, ठीक है। और इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को स्टार्ट करा जब ये फर्स्ट लॉन्च हो चुका था। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी और कोई भी इम्पोर्टेंट गुड्स को खरीदने या बेचने के लिए मना कर दिया, ठीक है। सो बिजनेसमैन जो स्वराज देखने आ रहे थे, अब वो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन में अब वो कोई भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी वो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, सिर्फ नागपुर की रीजन की ही कर रही थी, ठीक है। बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो और ज़्यादा क्लोजर आ चुके थे कांग्रेस से, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ डैट कुछ लोग अभी ऐसे थे जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, कुछ अभी भी नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ अपनी उस पर थे कि हमारी लो वेजेस है, हमारी पुअर वर्क की कंडीशन है, इन सब कुछ को हटा दो, सो गांधी जी हर एक चीज़ के लिए जो वो काम कर रहे थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट का और एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि काफ़ी लार्ज स्केल में जो है वुमेन ने पार्टिसिपेट करा। जब भी गांधी जी, मतलब जो गांधी जी का सॉल्ट मार्च चल रहा था, तो सारी वुमेन्स जो है वो बाहर आ जाती थी गांधी जी की बातें सुनने, और जो भी मार्चेस थे, जो भी मतलब सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना था और फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड शॉप को जो पिकेट करना था उसमें से उनका काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाथ बटाया। काफ़ी जेल में गई और अर्बन एरिया में ज़्यादातर ऐसी जो थी ये हाई कास्ट फैमिलीज़ की जो है वो औरतें थी, ठीक है। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस था इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। लिमिटेशन ये थी कि कुछ ऐसे ग्रुप थे हमारी कंट्री में जो मिलके काम नहीं करना चाह रहे थे, जैसे अनटचेबल, ठीक है, जिनको दलित बोला जाता था। सो अब कांग्रेस उनको इग्नोर कर रही थी ताकि उनकी वजह से जो सनातनीज है यानी कि जो हायर कास्ट हिंदूज है वो ना ऑफेंड हो जाए। पर महात्मा गांधी जी ने बोला है कि उन्होंने डिक्लेयर करा कि स्वराज तब तक की, मतलब स्वराज इन ये जो कुछ 100 अनटचेबिलिटी है ना, जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा तब तक स्वराज नहीं आएगा। और उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन बोला, यानी कि ये जो है ये भगवान के लोग हैं, भगवान के बच्चे हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। सो उन्होंने भी खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। उन्होंने डिमांड करी रिजर्व सीट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने डिमांड करी दलित मेंबर्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ताकि प्रॉब्लम रिसॉल्व हो सके, ठीक है। सो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करी 1930 में, वो महात्मा गांधी जी के साथ उनका क्लैश हुआ द सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मार रहे थे दलित के लिए, बट गांधी जी वो नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि सारे इक्वल रहे। बट गांधी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब अंबेडकर की डिमांड को और ज़्यादा कंसीड किया, तो गांधी जी ने व्रत रखा और बोला कि जब तक मैं मर जाऊँगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ जो हो रही है वो नहीं होगी। बट सारे गांधी जी का इतना रिस्पेक्ट करते थे कि गांधी जी की बात मान दी गई, ठीक है। और ये जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी ये जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद पे पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1922, जिसमें अम्बेडकर ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट करा गांधी जी की पोजीशन, ठीक है। और जो भी डिप्रेस्ड क्लास थी उनको उन्होंने रिजर्व सीट्स दी और बोला कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इतनी परसेंट जो सीट्स है वो तुम्हारे लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। सो जो दलित मूवमेंट था उसकी वजह से कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट में वो साथ दे रही थी, ठीक है। फिर आते हैं मुस्लिम्स। कुछ ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया के जो कि सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में कुछ कम रिस्पॉन्स कर रहे थे, इतना कुछ खास रिस्पॉन्स था नहीं उनका, ठीक है। जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में डिक्लाइन आया तो मुस्लिम्स का जो लार्ज सेक्शन है वो एलिनेट हो गया कांग्रेस से, ठीक है, मैं 1920 में। और कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबली एसोसिएटेड हो गई थी हिंदू रिलीजन के लिए, और क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जैसे हिंदू महासभा, और हिंदू मुस्लिम्स का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा था, ठीक है। कम्युनिटी जो है वो रिलीजियस पोजीशंस ऑर्गेनाइज कर रही थी, ठीक है,
जिसमें हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल क्लैशेस है और जो भी राइट्स है सिटीज़ में, ठीक है, हर एक राइट जो है उसका बहुत मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा था इन दो कम्युनिटीज़ का। सो जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने एफर्ट डाले कि वो फिर से मतलब रीनेगेट करेंगे अलायंस को, और 1927 में ये हो गया और यूनिटी जो है वो बन गई, ठीक है। सो और डिफरेंसेस का जो इम्पोर्टेंट है वो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था, ठीक है। देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के वन ऑफ द फर्स्ट लेटर्स थे, वो लीडर्स थे, वो काफ़ी इच्छा रख रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, बट अगर मुस्लिम्स बट इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड फॉर सेवरल सीट ऑफ सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ, उन्होंने बोला कि ठीक है बट ये जो प्रोपोर्शन है ये उस बेसिस पे होना चाहिए कि अमृतसर और चंडीगढ़, अमृतसर जैसी जगह पे कितने मुसलमान हैं उस बेसिस पे, बंगाल और पंजाब जैसी जगह पे, ठीक है। सो ये जो भी नेगोशिएशन था ये सब कुछ मान लिया जा रहा था, ठीक है। और पार्टी कॉन्फ्रेंस का जो इशू था 1929 में वो पूरा डिसअपेयर हो गया जब एम आर जयंकर ने हिंदू महासभा का स्ट्रांगली अपोज करा, ठीक है। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था, तो वो एक एटमॉस्फेयर था सस्पिशन का और डिस्ट्रस्ट का बिटवीन कम्युनिटीज, ठीक है। ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशंस थे जिसका मेन जो मतलब मुसलमान का जो स्टेटस है, ठीक है, एज द माइनॉरिटी विद इन इंडिया, तो उनको डर लग रहा था कि जो कल्चरल और जो आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की वो कहीं समर्ज ना हो जाए, बिकॉज हिंदू की जो है वो मेजोरिटी है, ठीक है। अब लोगों के अंदर जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गई। इसके पीछे का रीज़न है कि कल्चरल प्रोसेस था कि कल्चर आ गया, उसके बाद लोगों ने फोल्कलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है। सो जैसे भारत माता की फिगर उस टाइम पे बना दी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उन्होंने वंदे मातरम लिखा जिसमें वो मदरलैंड के लिए हाइम्स कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर जो है वो स्वदेशी मूवमेंट और ज़्यादा फैल गया। जब भारत माता की पेंटिंग बनाई गई तो उनको बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज डिवाइन और स्पिरिचुअल उन्हें बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों को समझ आने लग गया था कि हाँ हम सभी एक कंट्री का पावर है। मदर फिगर को देख के जो है लोगों की जो डिवोशन है उसके अंदर जो है मतलब जब हम सभी यूनिटी में एक एक किसी की किसी को एक मदर फिगर थी, सो लोगों ने अपने हम उसी के बच्चे हैं मान के इक्वल लोगों ने खुद को मानना शुरू कर दिया। जो इंडियन फोक लोर है वो भी रिवाइव हो गया लेट 19th सेंचुरी में। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और लोग जगह जगह पे जाके जो है वो ये सॉन्ग सुनाने लग गए, ठीक है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने खुद इन सारे बल्लाद और नर्सरी राइम्स को, मिथ्स को खुद ज़्यादा कलेक्ट उन्होंने करना शुरू करा और जो बार बार जाके बताना शुरू करा, ठीक है। सो मद्रास में जो नतिया शास्त्री थे उन्होंने 4 वॉल्यूम लिखी जिसमें तमिल फोक टेल्स थी। उनका मेन मानना ये था कि जो फोल्कलोर है और जो नेशनल लिटरेचर है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्ट है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है किसी भी रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का। उसके बाद फ्लैग्स आ गए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स आए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई। फिर जो जो भारत माता की जो तस्वीर थी उसमें भी बताया गया कि वो जो है उन्होंने वो जो भी होंगी वो इंडिया का मतलब भारत का जो है वो झंडा जो है वो कैरी करके उन्होंने रखा होगा, ठीक है। सो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में काफ़ी इंडियंस जो थे उनको लगा कि हाँ हमारा नेशन है, ये है, उन्हें याद दिलाई जाने लगी कि हमारा फ्यूचर क्या था, हमारी कितनी ग्लोरी थी वो सारी, और ब्रिटिशर्स की वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो गया। सो उनको बोला गया कि अगर हमें फिर से लाना है किसी प्रॉब्लम की तो पुराना जो है वो चीज़ें लोगों को याद दिलानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो पास था वो कितना ग्लोरीफाई था, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया था, सो कॉलोनियल पावर का टेंशन होने लग गई थी क्योंकि सारे मिलके काम करने लग गए थे और जो स्ट्रगल थे वो कॉमन थे, ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सो ऐसे मोमेंट्स में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए लड़ाई करी, ठीक है। जब लोगों के दुख दर्द बताए गए तो लोगों ने मिल के उसके लिए लड़ाई करी ताकि एक
एक सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, लोगों ने सब कुछ बताया, मोमेंट्स होने लगे, बंद होने लगे, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होने लग गई थी। ठीक है, ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होने लग गई थी ऑलमोस्ट, मतलब अदर वर्ड्स में जो भी हम लोग चाह रहे थे वो हो रहा था जैसे जैसे गांधी जी चाह रहे थे, और ऐसे ही चलते चलते हमारी कंट्री को बाद में जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, सो येस, डैट इज़ इट फॉर द वीडियो ऑन द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।